कल और आज मेरा ख्याल है कि अब इसमें मजीद गालिबन किसी सबूत की जरूरत नहीं रहती, तो मैं भी बगैर फैक्ट्स के मैं बात नहीं किया करता। मैंने बात की है तजुर्बे से और हकाइक पे मबनी जो मेरा तजुर्बा है उस पे उसके हवाले से मैंने बात की और वो आज 100% सही साबित हुई। और मुझे बताया जाए कि किसने उठाया आईजी को और किसने उसे ज़बरदस्ती जो है वो एफआईआर दर्ज करवाई और किसने ज़बरदस्ती अरेस्ट करवाए, ये सब बातें जो है ना ये इतनी आसानी के साथ ब्रश असाइड नहीं की जा सकती। लिहाजा मैं तो काफ़ी अर्से से कह रहा हूँ, मेरा ख्याल है कि वो लोग जो कि शायद जिनकी तादाद बहुत कम होगी, जो तजद्दुब का शिकार थे, आज मेरा ख्याल है उनको भी मालूम हो गया है कि जो नवाज शरीफ कहता है वो वाकई हकीकत है। फिर उसके बाद मैं सिंध की पुलिस को शाबाश देता हूँ जो जिन्होंने बहुत खुददारी और जिन्होंने बहुत ज़्यादा बहादुरी का सबूत दिया है और उन्होंने जो है वो आज इसके खिलाफ भरपूर एहतजाज किया है। जो मैं समझता हूँ कि बाकी मुल्क कौम और सर्विस के लिए मशले राह है। और फिर देखिए आपके एक यानी कि जिस तरह का ये गिरफ्तार करने का फैसला, उससे ज़्यादा बुरा फैसला जो है कि आप चादर और चार दीवारी को पामाल कर रहे हैं और जो है वो आप कमरे में दरवाजा तोड़ कर रात के अंधेरे में आप अंदर जा रहे हैं और इतने भोंडे तरीके से ये सारा काम किया, ये कम से कम इतना ख्याल होना चाहिए कि ना हमारा दीन ना हमारा मुआशरा इस बात की इजाज़त देता है और ये काम उन्होंने करके दिखाया है। मेरा ख्याल है कि कोई मेरा ख्याल है कि शायद जो हकाइक को जान बूझ कर ना तस्लीम कर